सबको नमस्कार। और अभी तक दिल्ली में 36 केस टोटल कोरोना वायरस के हुए हैं। पिछले एक दिन में एक केस और बढ़ा है, कल तक 35 थे, आज 36 केस हुए हैं। इन 36 केसेस में से 26 केसेस उन लोगों के हैं जो विदेशों से आए थे, और उन 26 लोगों की वजह से आगे 10 लोगों को और हुआ है। तो फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है, अभी ये ट्रांसमिट नहीं होने लगा है, अभी तक ये लोगों में बीमारी फैलने नहीं लगी है। तो मैं आप सब लोगों ने, हम सब लोगों ने मिलकर, सरकार ने, केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, पुलिस ने, जनता ने मिलकर जो ये कंट्रोल किया है, इसके ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी पीठ थपथपाने का समय नहीं है, अभी आने वाले समय के अंदर इसे और कंट्रोल करने का समय है। क्योंकि दूसरे देशों का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि जब ये फैलने लगता है तो बहुत तेजी से फैलता है। इस वक्त मोटे मोटे तौर पे बहुत सारे लोग अब अपने घरों में रह रहे हैं, कुछ लोग अपने घरों में नहीं रह रहे। उनसे मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों की गलती की वजह से ये ज्यादा फैल जाए। तो सब लोग अपने अपने घरों में ही रहें जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, जब तक कि आपको घर से बाहर दूध, सब्जी, फल लेने के लिए ना निकलना पड़े, अपने घरों में ही रहें। कल से हम लोगों ने पूरी कोशिश जारी की है कि जो लोग एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग आप तक अपनी, आप तक दूध पहुंच सके, आप तक सब्जियां पहुंच सके, आप तक फ्रूट्स पहुंच सके, किराने का, राशन का सामान पहुंच सके, दवाइयां पहुंच सके, इसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे लोगों को जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, रेडी वाले जो सब्जी लेके आते हैं, किराने की दुकान वाले, आपकी दवाई की दुकान वाले, आपकी दवाई बनाने की फैक्ट्री वाले, उनके कर्मचारी, इन सब लोगों को हमने पास देना, ई पास देना चालू किया कि आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। आप 1031 नंबर पे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 1031 नंबर पे आप अप्लाई कीजिए, आप फोन कीजिए, वहां पे आपको बता देंगे कि किस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, और आपको व्हाट्सएप के ऊपर ही आपका पास आ जाएगा। कल से जितनी एप्लीकेशंस आई थी उनमें बहुत सारी, अधिकतर एप्लीकेशंस को हम लोग निपटा चुके हैं, थोड़ी बहुत बची है उसको करते जा रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को, जिन रेडी पटरी वालों को, किराने की दुकान वालों को, सब्जी वालों को, जिन दवाई वालों को, फैक्ट्री वालों को, जिन जिन को पास की जरूरत है, आप पास ले सकते हैं। जो फैक्ट्री वाले हैं और उनके, उनको अपने कई कर्मचारियों के लिए पास की जरूरत है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा भी एलजी साहब ने बताया कि आज दिल्ली के सभी डीएम और डीसीपी और पुलिस कमिश्नर साहब तो यहीं हमारे साथ मौजूद थे, और सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर मीटिंग हुई, और उनको ये कहा गया कि लॉकडाउन में अभी हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से लोगों को घर में रहने के लिए तो कहा है, लेकिन अब हमें हर एसडीएम की और हर एसीपी की ये पर्सनल ड्यूटी होगी इंश्योर करना कि उनके इलाके के अंदर ये पांचों चीजें, सब्जी की दुकानें खुलें और उसमें सब्जियां हों, किराने की दुकानें खुलें और उसमें किराने का सामान हो, राशन की दुकानें खुलें और उसमें राशन हो, दवाइयों की दुकानें खुलें और उसमें दवाइयां हों, उसी तरह से हरेक के इलाके के अंदर जितनी फैक्ट्रियां ये सामान बनाने की हैं, जितने वेयर हाउसेज हैं, वो भी खुलवाने की और उसमें सामान होने की जिम्मेदारी रेस्पेक्टिव एसडीएम और एसएचओज की होगी, एसीपीज की होगी, ताकि वो इंश्योर करें। एक ये सभी पुलिस कर्मियों से निवेदन किया गया है कि जब सड़क के ऊपर वो देखते हैं कि कोई दूध वाला दूध लेके जा रहा है और बाई चांस उसके पास पास नहीं है, तो उसको अलाउ कर दिया जाए, बिना पास के अलाउ कर दिया जाए। अगर कोई सब्जी लेके जा रहा है और उसके पास नहीं है, तो उसको अलाउ कर दिया जाए। अगर हम देखते हैं कि जो एसेंशियल सर्विसेज देने वाला व्यक्ति है, वो सड़क पे जा रहा है या उसके पास पास नहीं है, दुकान खोल के बैठा है, उसके पास नहीं है, तो पास देने की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन उसको अलाउ कर देना चाहिए। इसके अलावा आज बड़ा निर्णय ये था, जैसा अभी एलजी साहब ने बताया, कि कई सारे फूड होम डिलीवरी वाले जो फूड चेन्स थे, उनको अलाउ भी कर दिया गया, और वो अपने कर्मचारियों को अगर आईडी कार्ड अपने दे देंगे, आइडेंटिटी कार्ड, तो वो आइडेंटिटी कार्ड उनके प्रूफ माने जाएंगे, वो सफिशियंट होगा। दोपहर के अंदर भीड़ ना लगे दुकानों पे, इसके लिए ये आज निर्णय लिया गया कि 24 घंटे जो जो दुकानें और जो जो फैक्ट्रियां एसेंशियल सर्विसेज वाली हैं, वो 24 घंटे काम करना चाहती हैं, तो उन्हें 24 घंटे काम करने दिया जाएगा। एक हमारे मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर हैं, जिनको
कोरोना पाया गया है और उन्हीं के परिवार में उनकी धर्मपत्नी और उनकी बेटी को भी पाया गया है। ये हमारे लिए दुख की बात है, लेकिन एक गलत फहमी ये फैल रही है कि मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद किए जा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं कर रहे, क्योंकि अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए तो लोगों को दूर दूर फिर बड़े बड़े अस्पतालों में जाना पड़ेगा। तो मोहल्ला क्लिनिक जारी रहेंगे, पर वहां पे हम पूरी एहतियात बरतेंगे, हमारे डॉक्टर्स भी पूरी एहतियात बरतेंगे, पेशेंट्स के साथ भी पूरी एहतियात बरतेंगे, ताकि सभी लोग, डॉक्टर्स भी सुरक्षित रहें और पेशेंट्स को भी कोरोना ना हो। हम सब लोग, ये एक बड़ी कठिन परिस्थिति है, सब लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। कई सारी और राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, उनसे भी हम लगातार संपर्क में भी हैं और उनसे भी हम सीख रहे हैं, और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। इस दौरान कई सारी संस्थाओं ने आगे बढ़ के हमें कहा है कि वो खाने के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी मदद करना चाहते हैं, खाने के पैकेट्स देना चाहते हैं गरीबों को। हम उन सबका धन्यवाद करना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं और एलजी साहब लगातार डेली हमारी मीटिंग्स होती हैं, सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग्स होती हैं, और हम सब लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं कि ये कठिन समय आराम से गुजर जाए। हेल्थ केयर जो वर्कर है, क्या उनकी भी जांच होगी कोविड, क्योंकि जिस तरह ये मामला आया है सामने मोहल्ला क्लिनिक का, क्या जो बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर है जो डायरेक्ट पेशेंट के साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं, क्या हाँ, जो जो ऐसे हेल्थ केयर के डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कि सीधे कोरोना के पेशेंट्स के टच में हैं, उनका हम लगातार टेस्ट करवाते रहेंगे। अब टेस्टिंग की फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, तो हम टेस्ट करवा सकते हैं, उनके लगातार हम टेस्ट करवाते रहेंगे, ताकि हमें समय पे वो मिल सके।